संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज मैं एक 9 के झारखंड के बुक को देखकर ये वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया और काफी सुंदर बुक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बुक गवर्नमेंट ने खुद निकाला है और गवर्नमेंट की ये जो चेंजिंग है ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसको देखकर बच्चे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और डिप्लोमा के बच्चों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो भाई डिप्लोमा के बच्चों को भी फायदा मिलेगा और 9-10 के लिए तो समझिए कि अब उनका एक नए युग का प्रारंभ हो गया है। और जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कहा था उस डिजिटल इंडिया के तहत ही ये सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि ये जो किताब देख रहे हैं ये क्लास 9 का सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाने वाला किताब है। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें साइड में लिखा हुआ भी है कि इसको आप सेल नहीं कर सकते, मैंने क्रय विक्रय के लिए ये नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ इसमें इसकी डिजिटल सिस्टम। और डिजिटल सिस्टम में क्या है, सबसे पहले तो भाई आपको एक स्कैनर, आपको बारकोड स्कैनर जो है वो एप्स डाउनलोड कर लेना होगा मोबाइल से। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है बारकोड स्कैनर का, और उसके बाद खेल स्टार्ट हो जाएगा इसका। क्योंकि जैसे ही आप बारकोड स्कैनर स्कैन कर मैंने एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप चैप्टर में जैसे ही स्कैन करेंगे आपके पास उसका पूरा ई पाठशाला का पूरा डिटेल, उसका वीडियोस, मतलब कि उसका जितना भी पीडीएफ फाइल है वो टोटल आ जाएगा। और ये पीडीएफ फाइल में बहुत सारे नए मटेरियल इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैंने अभी इसमें ट्राई करके देखा भाई कि पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा साइंस का ये बुक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर भी एक स्पेशल बना हुआ है बारकोड। और इसको आप स्कैनर से अगर स्कैन कर रहे हैं तो 5-7 अलग अलग फाइल्स पीडीएफ के खुल जा रहे हैं, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन सारा सेट है, इसके साथ इसका आंसर है। और उसके बाद सारे प्रयोग, मतलब कि जितने प्रैक्टिकल हैं वो सारे प्रैक्टिकल एक एक कर अलग अलग दिए गए हैं। मतलब कि टीचर्स अगर पढ़ाना चाहें तो इस किताब को पहले तो पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ा लें, उसके बाद बारकोड के जरिए से जितने क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारे सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रैक्टिकल एक जगह देना, ये काफी अच्छा है कि उनको प्रैक्टिकल भी करवा दिया जाए। बस गवर्नमेंट से थोड़ी सी अपील होगी कि भाई बुक्स तो काफी बेहतर हो गया है और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए अगर लैब भी खोल दिया जाता, थोड़ी सी अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके कार्रवाई करें और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लैब भी खोल दिए जाए तो कितना बेहतर होगा। 9-10 के लैब से बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएंगे और ये जितनी अच्छी किताब डिजिटल निकाली गई है उसी तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल समझ में भी आएगा। तो बस एक बार थोड़ा सा गवर्नमेंट को और पहल की हो सकता है कि गवर्नमेंट लैब्स पर काम करे, कि लैब पर उस पर निगरानी रखे, जिस तरह से कैमरा आप सीसीटीवी कैमरा से आप एग्जाम पर निगरानी रख सकते हैं, ठीक उस तरह से आप प्रैक्टिकल पर निगरानी क्यों नहीं रख सकते। आप सभी जगह पर सारे लैब्स जितने भी हैं जो आज बंद पड़े हुए हैं उस लैब्स में आप कैमरा लगवा दें और वहां से आप डिजिटल लगवाकर और वहां से आप खुद रांची में सेंटर से आप बैठे बैठे देख सकते हैं कि किस स्कूल्स में किस हाई स्कूल्स में प्रैक्टिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये सारी सूचना आपको आसानी से मिल सकता है। गवर्नमेंट बस थोड़ी सी चौकन्ना हो जाए तो फिर पूरे राज्य का एक स्थिति बदला जा सकता है और मुझे लगता है इस पर पहल होनी चाहिए। और आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह का प्रैक्टिकल अगर डायरेक्ट कैमरा से इंक्लूड कर दिया जाए और वहां से अगर डायरेक्ट आपका रांची से इसको कंट्रोल किया जाए तो क्या इस प्रत्येक जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां लैब में जो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, बच्चे इसको जान नहीं पाते और केवल एक प्रैक्टिकल कॉपी तक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है एग्जामिनेशन के समय, तो इन सब चीजों में एक सुधार आ जाएगा। और इस किताब का मुझे आखिरी पन्ना भी अच्छा लगा है जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से ये कुछ नंबर हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर किसी तरह की समस्या होती है तो 1098 पर वो संपर्क कर सकते हैं, और भी कुछ सेफ्टी एप्स के बारे में बताया गया है। तो मुझे अच्छा लगा, ये बुक काफी बेहतर बुक है। बस इसके साथ गवर्नमेंट को कुछ और भी पहल डिजिटल में करनी होगी और ये डिजिटल इंडिया का पहल का शुरुआत 9-10 के जो ये बुक्स नए जो वितरित किए जा रहे हैं उसका ये एक शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को आप कोशिश करें कि शेयर कर कम से कम और प्रेशर बनाएं कि गवर्नमेंट लैब प्रयोगशाला भी ज्यादा से ज्यादा खोल दें, क्योंकि सारे प्रयोगशाला में आज बेहतर तरकीब से अगर पढ़ाई अच्छी हो, जैसे आप देख रहे हैं अटल लैब योजना काफी बेहतर योजना आ गया है जो हर जगह बहुत अच्छे अच्छे लैब्स को पूरा एक सेटअप दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से अटल लैब योजना के अंतर्गत, तो हर स्कूल्स एक अटल लैब योजना के तहत करें और जो पहले से उनके पास फैसिलिटी है कम से कम उसे बच्चों तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आज के वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।